वजह से अन्योन्याश्रित है। राम के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना राम नहीं। कितना खुशी चलता है भाई, ऐसा तुमको हागी नहीं तेरे मेरा नाम अनिशा शाही है, मैं वाराणसी से हूँ। जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है भगवान राम का स्थापना, और काशी से भी बड़ा जाते जो है और फिर एक साथ जश्न माहौल बना रहे हैं, क्या है? और काशी और अयोध्या में अब कोई फर्क आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसा कि देख लीजिए, मुझे तो लग रहा है अयोध्या से ज्यादा धूमधाम और उत्सव तो हम लोग काशी में ही मना रहे हैं। इतना मतलब कि हम लोग अंदर में, हम महिलाओं, पुरुष, बच्चों, सबके अंदर वो जो उत्साह है ना, वो हम क्या करें, हम इस तरीके से भी व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग भजन कीर्तन करके अपने भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। काशी में एक तरीके से कहा जाए कि महादेव की नगरी काशी हर हर महादेव की खोज से घूमती रहती है। अब आप लोग आजकल राम नाम के पुर में गुंजायमान हो रही है। सुनिए, जो जब शिव जी की कृपा होती है ना, तभी भगवान राम के पास इंसान जाता है। तो ये शिव जी की कृपा है जो अयोध्या धाम बन रहा है। हमारे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हिंदुत्व को जगाया उन्होंने, मंदिर और भगवान में भक्ति आसक्ति उन्होंने दिलाया लोगों। आज छोटे छोटे बच्चे, देखिए मेरे 3 साल की बेटी है, वो भी गाती है मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे। ये मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद है कि आज के युग के राम और हनुमान जीवन के हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता है कि पश्चिमी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वापिस जो है ये पश्चिमी कल्चर दूर होके हम लोग का सांस्कृतिक कल्चर वापिस आ रहा है। पीली पीली साड़ियाँ, चुन्नी, और वापस श्रृंगार में महिलाएं हम लोग की दिख रही, अब दिखेंगी, आगे ये कि हमेशा दिखेंगी। ये लगातार के कार्यक्रम आपका चलता रहेगा? अभी देखिए 4 दिन तो चलेगा ही, क्योंकि हम लोग में कहा जाता है कि जब तक 4 दिन किसी शुभ कार्यक्रम का पूरा ना हो, तब तक उसको संपन्न नहीं माना जाता है। वैसे तो 1.25 महीना, लेकिन 4 दिन मेन होता है। भगवान राम अयोध्या में स्थापित होने जा रहे हैं और आप घर भी गा रहे हैं, क्या उत्साह है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम रामम नामम बरानने, इनके नाम के बराबर सहस्र सैकड़ों अरबों नाम भी कोई फीका है, तो राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। और रामचंद्र जी तो हमेशा हम लोगों के दिन में थे, लेकिन हम लोगों की ये तपस्या, जिस समय से इनकी मंदिर को बंद कर दिया गया था और बाबरी मस्जिद ढहा, उस दिन से हम लोग का एक उल्लास हुआ। हमारे घर में रोज हम लोग
रामायण गा रहे हैं, राम जी को याद कर रहे हैं और इनका सोहर गा रहे हैं। आज हमारे भगवान फिर से अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, इसकी खुशियां सारी महिलाएं मना रही हैं। भारत में बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है, उसी तरह हम देख रहे हैं कि एक दिन पहले आपको सोहर गाने हैं। हाँ, हम लोग सोहर गा रहे हैं क्योंकि बाल रूप रामचंद्र जी के मूर्ति की स्थापना होना है, तो भगवान का आज आगमन कर रहे हैं उनके मंदिर के पूर्व संध्या पर। भगवान आए, पैदा हो, उनका सोहर गाया जाए, विवाह गाया जाए और फिर राज्याभिषेक भी हम लोग गाएंगे। सबसे पहले रामायण की जय जय सुर नायक जो राक्षसों के विनाश के लिए देवताओं ने गाया था उसको हम लोगों ने गाया है। उसके बाद भगवान राज्याभिषेक जो उत्तरकांड का चौपाई और दोहा है उसको हम लोगों ने कहा। उसके बाद हम लोगों ने रामचंद्र जी राम आएंगे तो अंगनाथ जाएंगे, इस तरह के बहुत गाने हम लोग गा रहे हैं। हाँ, हम लोग का हर मंदिर हम लोगों को दिया गया है अपने अपने कॉलोनी का, तो हम लोग अपने अपने कॉलोनी के मंदिर को सजा रहे हैं और कल हम लोग 11 बजे से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा के बाद तक कीर्तन करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। और भगवान का मंदिर, हर मंदिर तो जानते हैं काशी के कण कण में शिव है, तो सबसे ज्यादा शंकर भगवान का मंदिर है, तो हम लोग शंकर भगवान के मंदिर को सजा रहे हैं और वहीं पर कीर्तन होगा और प्रसाद वितरण होगा। काशी में शंकर भगवान है, राम और शंकर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है। राम के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना राम नहीं है, तो यहाँ से जो आवाज उठेगी वो पूरी अयोध्या में पहुंच रही है और सारा उत्साह सारा गान बान जो है ये भगवान शंकर की तरफ से हो रहा है। हम शंकर भगवान पार्वती जी की सखियां हैं, उनके लिए रामचंद्र जी के लिए गा रही है उनकी तरफ से।